बुंदेलखंड के महान संत स्वामी ब्रह्मानंद की जयंती पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती राठ इलाके के ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज पर देर रात पुष्प अर्पित करने पहुंची। यहां पर उमा भारती के साथ हमीरपुर के सांसद सहित राठ विधायक मनीषा अनरानी भी मौजूद रही। उमा भारती ने स्वामी ब्रह्मानंद की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। उमा भारती ने बताया कि ब्रह्मानंद जी ने कहा था कि राजनीति से ही गरीबों की सेवा की जा सकती है, इसलिए तुम्हें राजनीति में जाना चाहिए। मुझे आपको बताना है स्वामी जी के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग भैया फिर वो पीछे वालों को मेरे को देख नहीं रहे ना, पीछे वाले लोग, आप सभी लोग मेरी बड़ी इच्छा है, तो बहुत छोटी थी। स्वामी जी ने मुझे कहा कि आप राजनीति में आना, मेरी उम्र उस समय चुनाव लड़ने की थी ही नहीं जब मैं स्वामी जी से मिली थी, लेकिन उनने मेरे को उसी समय से कहा कि राजनीति में आना। तो मैंने कहा कि राजनीति तो बहुत खराब चीज होती है, मैंने कहा ना मैं भोपाल से सरपट भगी, ऐसी भगी हूँ कि उनको होश नहीं रहा मुझे, क्योंकि मेरे दिल में बैठ गया कि मुझे स्वामी जी की समाधि पर अपने हाथ से दिया आज जलाना ही है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि पिछले साल नहीं आ पाई थी, तो आज मैंने तय कर लिया था कि आज तो मुझे पहुँचना ही है। और देखिए भगवान की दया रही कि मैं यहाँ तक आ गई। मैं कि व्यक्ति को अंतिम घड़ी तक सांस लेने तक संसार के लिए उपयोगी बने रहना, ये बात मैंने नरेंद्र मोदी जी से भी एक बार पूछी थी कि आप पूरे समय काम करते हो, वो मैं आपको बताऊंगी फिर अपनी बात खत्म करूंगी। मैंने पूछा था कि आप पूरे समय काम करते हो, थकते नहीं हो, वो हमेशा बहुत बढ़िया, काम में तनाव है और आराम में प्रसन्नता है, लेकिन बोले मैं काम में ही प्रसन्नता मेरे को प्राप्त होती है काम करने से, इसलिए काम करने से ही मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है, मुझे अलग से आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती है आनंद के लिए और ऊर्जा के लिए। यही बात मैंने स्वामी जी से सीखी, यही बात मैंने मोदी जी से सीखी और यही बात मैंने बस मुझे आपसे यही कहना है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नौजवानों के सामने दो रास्ते होते हैं, एक होता है रेल का और एक होता है नदी का। रेल जब चलती है तो उसको झंडी उसे समुद्र तक पहुँचना है और वो अपना रास्ता खुद बनाती है। रेल वो है जिसको सारी सुविधाएं चाहिए होती है तब वो चल पाती है, नहीं तो वो नहीं चल पाती। तो मुझे आपसे यही कहना है कि पूरी दुनिया पर कब्जा करिए, लेकिन रेल की तरह चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे, नदी की तरह चलेंगे तो दुनिया पर कब्जा करना है। और उन्हीं की बदौलत इस क्षेत्र में शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान खुले और उन्हीं की बदौलत इस क्षेत्र में बहुत लोग आगे बढ़े, तरक्की हुई। आप सभी लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य तय कर लीजिए और आप वो राजनीति को खराब करते हैं, लेकिन जो गरीब की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं वह राजनीति को पवित्र रखते हैं, इसलिए आपको राजनीति में आना चाहिए। स्वामी जी की बात मान के ही मैं राजनीति में आई और जैसा उनने अपना जीवन जिया मैंने उसको अपने ध्यान में रखा। मेरे और उनके बीच में तो दादा और पोती के वचन दूंगी कि जैसा भारत वो छोड़ करके गए थे उससे बेहतर भारत हम छोड़ करके जाएंगे, बहुत सुंदर भारत हम बना करके जाएंगे, जहाँ गरीबी ना हो, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ अन्याय ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। यही स्वामी जी के लिए सच्ची आज पुण्यांजलि होगी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आप सब जितने लड़के और लड़कियाँ नहीं हैं, लड़कियाँ भी नहीं और हटिए ना आप एक साथ। उमा भारती ने बताया कि स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और बुंदेलखंड में उन्होंने शिक्षा की रोशनी दी है। साथ ही उमा भारती ने कहा कि स्वामी जी और मेरे बीच दादा और पोती का रिश्ता था। स्वामी ब्रह्मानंद को पुष्प अर्पित करने के बाद उमा भारती भोपाल के लिए रवाना हो गई।